कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद सियासत और गर्मा गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीचरण के मामले में चल रही सियासत पर कहा कि रमन सिंह ब्रजमोहन अब भी कालीचरण के बयान की निंदा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये गोडसे के समर्थन में है। गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते, ये मजबूरी में महात्मा गांधी की जय बोलते हैं। तेलंगाना पुलिस छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। पिछले महीने मध्य प्रदेश पुलिस छत्तीसगढ़ आई थी, उस दौरान एमपी पुलिस किससे पूछकर आई थी, इस बात का जवाब नरोत्तम मिश्रा दें। कालीचरण की जो बोले हैं उसके समर्थन, मतलब अभी भी रमन सिंह जी, ब्रिजमोहन जी कालीचरण के बयान की निंदा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते, इनके हृदय में गोडसे ही बसे हुए हैं, मजबूरी में वो महात्मा गांधी की जय बोलते हैं और कालीचरण को इसलिए वो उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। खुल के बोले ना, हम कालीचरण की जो बोले हैं उसके समर्थन करते हैं, है साहस तो बोले, क्यों नहीं बोलते, घुमा फिरा क्यों बात करते हैं। गिरफ्तारी हुई, किस राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में नहीं जाती, क्या तेलंगाना की पुलिस छत्तीसगढ़ में नहीं आती। अभी जो घटना घटी, नक्सली इनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ की धरती में, किसने किया, तेलंगाना पुलिस ने। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या छत्तीसगढ़ नहीं आई थी, अभी पिछले महीने की बात है, तो कौन सी सहमति लेकर आए हैं, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। और विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, कोई गलत कार्रवाई नहीं है। यदि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में जो पुलिस आई थी वो मध्य प्रदेश की पुलिस कैसे आई थी, क्यों आई थी, किससे पूछ के आई थी, क्या नरोत्तम मिश्र जी इसका जवाब देंगे। सीधा बोले ना, कालीचरण की गिरफ्तारी कारण से उसको बहुत तकलीफ हो रही है, कसमसा गए, पीड़ा बहुत है, बोल नहीं पा रहे।